दुनिया के प्रभावशाली हस्तियों, नेताओं, अमीरों की लिस्ट आती रहती है। 100 सबसे पावरफुल भारतीयों की लिस्ट तैयार की गई है। इसमें नो आउट पहले नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह है। कुछ प्रमुख नामों में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ चौथे नंबर पर, संघ प्रमुख मोहन भागवत छठे नंबर पर, मुकेश अंबानी नौवे नंबर पर, ममता बनर्जी तेरहवे नंबर पर, नीतीश कुमार चौदहवे नंबर पर और राहुल गांधी पंद्रहवे नंबर पर है। दिलचस्प है कि अरविंद केजरीवाल का 16वें, ईडी के चीफ संजय कुमार मिश्रा को 18वें, टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को 22वें नंबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 23वें स्थान पर रखा गया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 10वें पायदान पर है। लोग उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहते हैं। सुरक्षा और कूटनीति के मसले पर सरकार में अजीत डोभाल की अहम भूमिका होती है और उनके फैसले पर खुद पीएम नरेंद्र मोदी भरोसा करते हैं। सुरक्षा संस्थानों ने प्रमुख पदों पर नियुक्ति में भी उनकी राय मायने रखती है। सरकार की कश्मीर पॉलिसी में उनका बड़ा रोल है। पाकिस्तान और चीन दोनों पड़ोसी देशों से संबंधित किसी भी नीति में डोभाल का प्रभाव दिखता है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के मुद्दे पर भारत की पोजीशन तय करने में उनकी अहम भूमिका रही है। एक्सप्रेस की प्रभावशाली लिस्ट में वह तीसरे नंबर पर है। विदेश सेवा के अधिकारी रहे जयशंकर इस समय भारत के विदेश मंत्री हैं। वह जिम्मेदारी जिसे भाजपा की तेज तर्रार नेता सुषमा स्वराज ने निभाई थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच वैश्विक उथल पुथल के दौर में एस जयशंकर भारतीय कूटनीति का एक सशक्त चेहरा बनकर उभरे। वैश्विक मंच पर वह रूस भारत दोस्ती के खिलाफ पश्चिम के एजेंडा को नाकाम करते दिखे। वह न सिर्फ भारत के रूप का बचाव करते बल्कि यूरोप और पश्चिम की दोहरी नीति भी खोलकर रख देते हैं। मोदी सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी लिस्ट में 26वें नंबर पर है। उनके बारे में कहा जाता है कि विरोधी भी गडकरी को पसंद करते हैं। वह लगातार काम करने वाले मंत्री के तौर पर मशहूर है। संसद में शायद ही कोई दूसरा मंत्री हो जिसकी तारीफ विपक्षी नेताओं ने की हो। गडकरी सबसे लंबे समय तक सड़क परिवहन मंत्रालय संभालने वाले मंत्री बन चुके हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिस्ट में 19वें पायदान पर रखा गया है। रेल, टेलीकॉम और आईटी जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे वैष्णव मोदी कैबिनेट के प्रमुख मंत्रियों से एक है। कुछ साल पहले तक उन्हें कम लोग जानते थे। कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने खुद उन्हें चुना है। वंदे मातरम प्रोडक्शन में आ रही अड़चनों को दूर करने के साथ ही वैष्णव ने यह सुनिश्चित किया कि स्टेशनों पर सुविधाएं बेहतर हो। अब करीब करीब हर महीने प्रधानमंत्री एक वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं। मोदी सरकार में कानून मंत्रालय संभाल रहे किरेन रिजिजू को एक्सप्रेस की लिस्ट में 20वां स्थान मिला है। अरुणाचल प्रदेश से वह 3 बार से लोकसभा सांसद है। जुलाई 2021 में जब उन्हें कानून मंत्री बनाया गया तो कानून के बहुत से एक्सपर्ट हैरान रह गए। कई लोगों ने प्रोफेशन में उन्हें बाहरी माना। रिजिजू खुलकर अपनी बात रखते हैं। पिछले दिनों न्यायपालिका को लेकर दिए उनके बयान की काफी चर्चा हुई थी।